लहसुन और प्याज हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह हमारे सेहत के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। परंतु क्या आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म एवं शास्त्रों में लहसुन और प्याज का सेवन करना, भगवान को भोग लगाना और उपवास में खाना पाप माना गया है। आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। लहसुन और प्याज को रोगनाशक एवं जीवनदायिनी होने के बावजूद इसे पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्यों से वर्जित रखा गया है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवताओं को अमर होने के लिए अमृत बांटा था। उसी दौरान राहु केतु नाम के दो राक्षस भी अमृत ग्रहण करने के लिए उनके बीच आकर बैठ गए। ऐसे में गलती से भगवान विष्णु ने उन्हें भी अमृत पिला दिया। जैसे ही देवताओं को यह बात पता चली, देवताओं ने यह बात भगवान विष्णु को बताई, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। सिर धड़ से अलग करते ही अमृत के कुछ बूंद उस राक्षस के मुंह से रक्त के साथ नीचे जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अमृत से पैदा होने के कारण यह स्वास्थ्यवर्धक भी है, परंतु राक्षसी गुण के समावेश के कारण यह हमारी उत्तेजना, क्रूर हिंसा, अशांति व पाप में वृद्धि करता है। इसलिए व्रत के खाने में या फिर भगवान को भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा प्याज लहसुन के ज्यादा प्रयोग से मनुष्य का ध्यान पूजा पाठ से भटकता है एवं दूसरे कार्य में ज्यादा लगता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।